बोलना चाहती हूँ जी। रोम्बो रोम्बो नंद्री, हमारा शो में वणकम वंदनम। समझ आ गया? समझ में ही आ जाता तो मैं फिर मुंबई में परमानेंट नहीं रहने लग जाता। ये मैंने तमिल में बोला, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो बोला मेरे लिए। आप ढंग से देखो, इतना क्रीम पाउडर लगा के आइए, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। और कैरम में क्वीन होती है जो आपके सामने, और किंग भी तो होता है जो मेरे सामने। इससे ज्यादा चापलूसी में कर भी नहीं पाऊंगा, और इससे ज्यादा मैं सुन भी नहीं सकता। अच्छा, ड्रेस देख के ऐसा लग रहा है जैसे हरी घास का मैदान हो। ओहो, और पांव देख के ऐसा लग रहा है कोई भैंस चर के भी निकल गई। अच्छा शेखर जी, ये लड़कियों की आदत होती है, गाने भी ऐसे सुनती है, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब एक बात बताओ, इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो क्या मतलब है? इंतजार करने का मजा तब है सड़क कैसी भी हो, लड़की भीगी ही होनी चाहिए। अच्छा अर्चना जी, आपको बहुत सारे शो में कहते हैं ना ये मर्द है ये मर्द, मेरे को बहुत बुरा लगता है। का फूल जैसी लेडी को लोग मर्द मर्द कह रहे हैं। हालांकि फूल जरूरी थोड़ी है, गुलाब का ही हो धतूरे का भी हो सकता है। अब जैसे ये रोशेल मेरे से बोली कि अलविदा जी मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं इधर के कंधे पे सोती हूँ तो मेरा उधर का कंधा दर्द करता है। अच्छा। और मैं उधर के कंधे पे सोती हूँ तो मेरा इधर का कंधा दर्द करता है। आप ये बताओ मैं कौन से कंधे पे सोऊं? मैंने कहा तू मेरे कंधे पे सो, इसके साथ मेरे कंधों को जो सुकून मिलेगा। जमाना इतना खराब चल रहा है शेखर जी, वो जुहू चौपाटी पे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, तो उसको हस्बैंड ने देख लिया। हस्बैंड ने बॉयफ्रेंड को देखते ही कूटना स्टार्ट कर दिया, तो लड़की उसकी साइड में हो गई, बोला मार साले को, अपनी लुगाई को तो घुमाता नहीं है और दूसरे की लुगाया घुमाता है। ये बात सुन के बॉयफ्रेंड को जोश आ गया, तो उसने उल्टा हस्बैंड को कूटना स्टार्ट कर दिया, तो लड़की उसकी साइड में हो गई, बोला मार साले को, न तो खुद घुमाता है न दूसरे को मार देता है। अब ये जैसे रोशेल एक दिन ये सब्जी मंडी में जाके दुकानदार से बोली धनिया है क्या? बोले मैडम ये बड़ा ने दिख नहीं रहा क्या आपको? बोले इसमें कोई और कलर दिखाओ। ये औरतें भाई साहब 150 रुपए की साड़ी खरीदेगी और पूरे मोहल्ले में दिखाएगी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है 5,000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। एक दिन मैं तो मेरी लुगाई के साथ चल गया भाई साहब साड़ी की दुकान पे। अब साड़ी की दुकान पे मेरी वाइफ ने 500 साड़ी अलट पलट के देखी और खरीदी एक भी नहीं। फिर बोली वो आपके दूसरे वाले उसमें पैक में क्या रखा है वो दिखाओ। बोला मैडम वो तो मेरे खाने का टिप्पी नहीं, इसको भी लेके जाओगी क्या? मैं सबसे ज्यादा इज्जत किसी की करता हूँ तो केवल मेरी लुगाई की करता हूँ, और किसी की भी नहीं करता, क्योंकि उसने 500 साड़ी देखी लेकिन खरीदी एक भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि इसने तो मेरे को भी चुना है। और मेरा तो बस इतना ही कहना है, बीज नफरत के लोगों को कहीं बोने नहीं दूंगा, मैं अपने मुल्क की मुस्कान को खोने नहीं दूंगा, और तुझे लड़ना है तो सरहद पे जा बंदूक लेकर के, मैं दुनिया में किसी भी शख्स को रोने नहीं दूंगा। बहुत बहुत। और आज के कंटेस्टेंट से हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले मिलते हैं हम राकेश अदलखा जी से। तो अदलखा जी आप बताओ आपकी खासियत क्या है? मेरी खासियत ये है कि मेरे पास कुछ खास है ही नहीं। वाह क्या बात है। शेखर जी मेरा नाम राकेश है, अगर आप मेरे नाम से अभी बुलाए ना मुझे 4 लोग ऑडियंस में से आके परफॉर्म कर देंगे। इतना कॉमन नाम है ये। एक बात बताऊं, मेरा भी नाम सुरेश ही है। आपने उसे अलबेला कर दिया तो वो अनोखा हो गया। वो दिमागदार आदमी हूँ ना मैं, जितना इसके अंदर टोटल दिमाग हो उतना तो मेरा खराब ही रहता है। भरत सागर जी, क्या जोरदार जोड़ी है आपकी, कहाँ से है आप ये बताओ? मुंबई महाराष्ट्र। अरे यार, हमेशा साथ में ही बोलते हो क्या? कभी कभी। आपको इस शो में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा।
आपने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। भरत जी आप ये बताइए, महाराष्ट्र में आप कहाँ से हैं? नागपुर से हूँ। तो नागपुर में क्या फेमस है? वैसे तो मैं ही हूँ। संतरे भी बहुत प्रसिद्ध है। मैं भी रोज पीता हूँ संतरी। यहाँ पीने की ज्यादा बात मत कर, वो नंबर मांग लेगी। ये देखो अब्बास मस्तान भेज बदल गया है। रीता ब्रता दास, भाई तेरा नाम लेके मेरी जुबान ऐसे लड़खड़ा जाती है जैसे इस बार मुंबई इंडियंस लड़खड़ा रही थी। आपके नाम का मतलब क्या है, कोई मीनिंग तो होगा इसका? हाँ सर, इसका मतलब है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये रखने के बाद मेरा पेरेंट्स आज तक रिग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सच बोला ही नहीं मैम। प्रोनंसिएशन क्या है? रितो ब्रुतो। लिपो पोतो सुना था ये, रितो पोतो। तो विभोर जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। तो आप अपने बारे में कुछ बताओ। माई सेल्फ विभोर चौधरी, सन ऑफ पापा चौधरी, पापा भतीजा ऑफ चाचा चौधरी, और नो रिलेशन विद महिमा चौधरी। भैया आप तो हमारे पड़ोस के हुए, हम देहरादून से जब जाते हैं दिल्ली तो हमेशा आपको सलाम करते हुए जाते हैं। थैंक यू मैम। मैम मैं आपकी इसी अदा पे फिदा हूँ। जो भी आपको पोटेंशियल बंदा लगता है ना, आप उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन काट लेती है और अगले शो में फिट हो जाती है। आई लव यू मैम। चल गया आपका। भगवान करे आप सब जो है आगे बढ़े। आप सबका अपना अपना शो हो और हर शो की जज अर्चना। और हर शो की होस्ट रोशन राव। अच्छा ये है मुजफ्फरनगर का, मुजफ्फरनगर यूपी में, और ये हरियाणवी बोल रहा है। तू डॉक्टर बन गया ना तो भी चालानी काटता फिरेगा। तो हमारे सबसे कम उम्र के राधे श्याम भारती जी, आप ये बताओ आए कहाँ से हो आप? जी मैं प्रयागराज की पवित्र सर जमीन से आया हूँ, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। वाह, ऑफिशियली नाम चेंज कर दिया उसका? हाँ। क्या है, तुम शो में इतना बिजी रहती हो, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, उसे अंजाम। मेरे शोज के पीछे पड़ गया अब ये। तो राधे श्याम जी मेरे एक बात समझ में नहीं आई है, वजन करने की उम्र में कॉमेडी कर रहे हो? मैं कहीं जाता हूँ तो ये प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है, ये ठीक बात नहीं है? नहीं, जवानी जिन पे है वो जी करे चाहे जहाँ जाए, कहीं नाचे हंसे गाएं, कहीं भी गुल खिलाए, मगर हम पर नजर टेढ़ी है इतनी क्यों जमाने की, अरे हमारा मन करे तो लात खाने हम कहाँ जाए। वाह, इसीलिए मुंबई चले आए कि यहीं तमन्ना पूरी हो जाए। वैसे आप शादी शुदा हो तो लात तो घर में भी खाई सकते हैं। और शेखर जी मत उलझना इन बड़े बूढ़ों से, या अखरोट फोड़ लेते हैं अपने चिकने मसूड़ों से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।